हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमानेंट सेटलमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो ब्रिटिश रूल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, जिसको उर्दू में इस्तमलारी बंदोबस्त कहा जाता है, तो उसके ज़रिए हिंदुस्तान के समाज में, ख़ास करके जो बंगाल के समाज थे, माशरे थे, उसमें क्या एडवांटेज हुए, क्या डिसएडवांटेज हुए, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सवाल है यहाँ पे, देखिए, एनालाइज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट और डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बंगाल के माशरे और माशियात में इस्तमलारी बंदोबस्त के जरिए इनकलाबी तब्दीली पैदा आई आई। मौलिक और माहिर माशियात दोनों की राय इस्तमलारी बंदोबस्त के नतीजा पर तशखीस मुख्तलिफ है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मौलिक है और माहिर माशियात है, इन दोनों के जो नज़रिया है इस पर, इसके फ़ायदा और नुकसान पर इंट्रोडक्शन होने का, तो दोनों का जो है मुख्तलिफ है। चंद नुक्ता इस सिस्टम के फ़ायदे और चंद नुक्ता इसके नुकसान की तरफ इशारा करते हैं। तो मार्क्समैन के मुताबिक ये बेखौफ, बहादुर और अकलमंदी का असला था एडवेंट। अब देखिए, ये था कुछ लोगों की, कुछ मौर्य की असला, हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोगों का, वो होगा फिक्स इनकम। किसानों के हालात बेहतर बनाने में इस्तेमाली बंदोबस्त ने मदद की और हुकूमत को आसानी के साथ मालगुजारी मिलने लगी, जिसके जरिए कंपनी अपना खर्च का बजट आसानी से तैयार कर सकी। इस्तमलारी बंदोबस्त के लिए जो है, किसानों को उस वक्त लोन देने लगा था, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए उन लोगों को जो है कुछ पैसे भी मिलने लगे थे। तो इससे जो है हुकूमत को भी मालगुजारी मिलने में आसानी लगी और कंपनी जो है अपने जो खर्चा का जो बजट था उसको तैयार करने में वो लोग जो है ठीक रहा। तो फिक्स इनकम ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नो इविएशन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, मालगुजारे की रकम मुकर्रर थी और ना ही गुजारे वक्त के साथ बड़ी किसानों को उस सिस्टम से काफ़ी फायदा हुआ। मालगुजारे की जो रकम थी गुजरते वक्त के साथ जो है वो नहीं बढ़ा था, जितना मुकर्रर किया गया था गुजरते वक्त के साथ उतना ही रकम जो है मुकर्रर हमेशा था, इसलिए इसका नाम जो है परमानेंट सेटलमेंट रखा गया, क्योंकि परमानेंट का मतलब ही जो है हमेशा के लिए। किसानों को इस सिस्टम से जो काफ़ी फ़ायदा हुआ, वो ज़मीन की बेदखली के खौफ से आज़ाद हो गए, यानी वो ज़मीन से जो है बेदखल नहीं हुए कभी, ये परमानेंट के लिए हो गया। नंबर 3, प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर। इस्तमलारी बंदोबस्त ने ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया था। उन ज़मींदारों ने किसानों की बदहाल ज़िंदगी को बेहतर बनाने और ज़राअत को तरक्की देने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ असलात किए। ज़राअत की तरक्की के लिए जो ज़मींदार लोग थे, जो ज़मीनों के दखलदार थे, वो लोग जो है ज़राअत की तरक्की देने के लिए जो मुख्तलिफ तरह के जो है असलात किए थे। इसके बाद पढ़ेंगे राइज ऑफ ए क्लास ऑफ लॉयल ज़मींदार। अंग्रेज़ी हुकूमत को इस्तमलारी बंदोबस्त का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसके ज़रिए हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत को एक वफादार ज़मींदारों का तबका मिला। इनके सहारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद को मजबूती बख्शी। उन्हीं वजूहात के सबब विनकेंट स्मिथ ने कहा कि कॉर्नवालिस ने इस्तमलारी बंदोबस्त लागू किया और इसका असर इनकलाब है। कौमी तारीख नवेश आरसी दत्ता लिखते हैं कि कॉर्नवालिस का इस्तमलारी निजाम, जो 1793 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत का सबसे अकलमंद और सबसे कामयाब असला है, जो अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान में जारी किया। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग समझ में आ गया होगा कि विंसन स्मिथ जो थे, वो उसने कहा था कि कॉर्नवालिस ने ही जो है इस्तमलारी बंदोबस्त को लागू किया था 1793 ईस्वी में। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जो सबसे नीचे है। देखिए, लॉस फॉर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का इसमें क्या लॉस हुआ। ज़मींदार तकरीबन मालगुजारी की रकम काफ़ी मकदार में किसानों से वसूल लेते थे। अंग्रेजी सरकार को देने के अलावा और ज़राती ज़मीन के फैलाव और ज़राती पैदावार की कीमत में इजाफा
और आबादी में इजाफा का फ़ायदा सिर्फ ज़मींदारों को हासिल होता था, क्योंकि ज़मींदारों को इसमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता था, इसलिए जो है इसमें जो अंग्रेज़ी हुकूमत यानी गवर्नमेंट थे उसको लॉस हुआ। लेकिन जब से मालगुजारी की रकम मुकर्रर कर दी गई तो हुकूमत को ना ही ज़रात की खुशहाली से और ना ही मालगुजारी की हासिल की हुई रकम से फ़ायदा पहुँचता था। इससे जो है जो हुकूमत थी उसको जो है ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं होता था, क्योंकि ज़मींदारों के इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता था, क्योंकि ज़मीन के मालिक ज़मींदार थे और ज़मीन में खेती करने वाले किसान थे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ज़मींदारों को मिलता था। इसके बाद पढ़ेंगे द मेजरेबल कंडीशन ऑफ द पेजेंट्री। बहुत सारे ज़मींदार अपनी मर्जी के मुताबिक रियाया से बर्ताव करने का अख्तियार रखते थे, यही वजह है कि लगान वसूली के लिए उन किसानों पर जुल्म करते और दबाव डालते। तहकीकात से जाहिर होता कि ज़मींदारों ने 35 लाख पाउंड रकम हुकूमत को बतौर मालगुजारी अदा करने का वादा किया, लेकिन इस साल उन्होंने 1,35,00,000 पाउंड रकम किसानों से बतौर लगान वसूल किया। राजा रामन रॉय, हर्षचंद्र मुखर्जी, आरएस दत्ता का ख्याल है कि इस्तेमाली बंदोबस्त किसानों की पुश्ती और तंजली का सबब बना। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिमूवल ऑफ ओल्ड क्लास ऑफ ज़मींदार, मतलब जो पुराने ज़मींदार थे उसको कैसे हटाया गया। इस्तेमाली बंदोबस्त में सूरज ग्रुप के कानून पर सख्ती से अमल होता। सूरज ग्रुप कानून आप लोग को जानते होंगे कि एक किसान सूरज डूबने से पहले जब भी जो भी तारीख जो है उसके लिए मुकर्रर किया गया था उस तारीख को सूरज डूबने से पहले जो है उसको ज़मींदार को जो है पूरे लगान अदा करना होगा, नहीं तो अगर सूरज डूब गया और आप बाद में लगान अदा करने गए तो उसमें जो है आपका जो ज़मीन है वो बेदखल कर जाएगा आपसे। तो जिसके जरिए बहुत सारे पुरानी ज़मींदार अपनी ज़मीन पर मुकर्रर वक्त पर लगान अदा ना करने की वजह मालिकाना हक खो देते हैं। इस्तेमाली बंदोबस्त के तहत नस्ब पुराने ज़मींदारों ने ज़मींदारों से हाथ धो लिया, इस तरह जो है ज़मींदार ख़त्म हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे डैमेज डन टू एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री। आसान और जल्द फ़ायदे की उम्मीद में बहुत सारे शहरी अवाम ने तिजारत छोड़ दिया और ज़मीन पर सरमाकारी की, जिससे मकामी लोगों के कारोबार सुस्त पड़ गए और रवायती सनत व कारोबार में सस्ती आ गई। तमाम तबके को फ़ायदे पहुंचाने के लिए ज़रात पर ज़बरदस्त दबाव बनाया गया। इस्तेमाली बंदोबस्त के लागू होने की वजह से ज़रात सनत व हरफत तजारत व कारोबार तीनों को काफ़ी नुकसान हुआ। आरसी दत्ता ने अपनी किताब बांग्लर कृषक, मतलब बंगाल की जो किसान थी उसके बारे में मैं इल्ज़ाम लगाया कि इस्तेमाली बंदोबस्त किसानों की पस्ती और तंजली का सबब बना। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज ऑफ जो थे परमानेंट सेटलमेंट, और जो ऊपर हैं ये कुछ थे एडवांटेज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ये हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को ठीक से इसे याद कर लेना चाहिए। तो ये कितना आपका फ़ायदा दिया प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें, और इसी तरह का कोई अगर क्वेश्चन चाहते हैं आप आंसर चाहिए किसी तरह का भी हिस्ट्री से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो 10 का हो या क्लास 12 का हो या किसी भी क्लास का हो, तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी जो कमेंट है उसको देखकर खुश रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।